मैथ्स्टार बाय रजनीश सपूर्णिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स्टार। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको पता है क्लास 10th का चल रहा है और सब्जेक्ट कौन चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। मार्क कितना का है, 100 मार्क का रहता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है जैव प्रक्रमण। तो जैसे कि हमने पहले क्लास में देख लिए हैं 1 से 41 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे और आज इस चैप्टर को लास्ट करेंगे। और जितना क्वेश्चन पिछले वीडियो में था उतना ही इसमें भी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 हो चुका था तो 42 से देखना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन लग गया है डेस्कटॉप पे। अब बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आंसर दे रहे हैं। कहा गया है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। क्या गया है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल एनिमो अल, कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त नोट कर लेना है क्या करना है। तो भोजन ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे 1 हो जाएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिफ्यूजोम से, कौन सा होगा मेरे दोस्त ये बताइएगा आप। ये हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 क्या कहा है, देखिए रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, सीरम बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, लसिका बोलते हैं, कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्र। ये होगा प्लाज्मा जो है वह चिपचिपाहा होता है। ये सब दिन के लिए नोट कर लीजिए, आगे भी काम देगा। कभी भी जब बोले चिपचिपाहा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपाहा द्रव होता है, तो जैसे चिपचिपा का नाम आएगा तो उसी तरीका से आप प्लाज्मा लगा देंगे। चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कहा कि क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अंगक है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है, पत्ती से, हरित लवण से, क्लोरोफिल से, क्लोरोप्लास्टर से, कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे मित्र लिख लेना है हरित लवण से, किससे, हरित लवण से, ऑप्शन नंबर बी मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित लवक लगाना है, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 मेरे प्यारे मित्र कहते हैं वकीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। कहा गया नेफॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, और क्या है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, कौन सा होगा बताइएगा। 46 में तो 46 में नोट कर लेना है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 1 को नोट कर लेना है। इसी तरीका से क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहा है देखिए, कहा गया है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, लीवर है, अग्राशय है, अंडाशय है, एड्रिनल है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। लीवर को क्या है सबसे लंबी है, लीवर, ऑप्शन नंबर 1 को नोट कर लेना है। इसी तरीका से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा है, कहा क्या है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल,
ताजा सोपोषी पोषक के लिए आवश्यकता नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर एक को नोट करना है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं 49। इनमें किसके द्वारा एमीबा में भोजन अंगग्रहण होता है? कूटपात, उसके बाद है कूटपात के बाद परिवहन, भोजन, रसदानी, केंद्रक। कौन सा होगा बताइएगा मेरे दोस्त? नोट कर लेना है कूटपात, कूटपात याद कर लेना है। ऑप्शन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लिखिए। कहा गया है पौधे के शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टुकड़े से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है बताइएगा। ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे मित्र, इसमें ऑप्शन आप लिख लेना है, कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीका से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। कहा गया है रक्त थक्का बनाने में सहायता होता है, कौन सा होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। कहा गया रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है, कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे मित्र, नोट करना है रक्त विषाणु, विषाणु होता तो चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है देखिए, कहा गया है पाचक क्रिया पूर्ण होता है, कहाँ से होता है? अग्राशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो मेरे दोस्त लिख लेना है छोटी नली। क्या होता है? छोटी आंत में नली बोलते हैं, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। समय देखिएगा कितना हो रहा है, ठीक है? समय ऊपर में दिखा दे रहा है आपको, ठीक है? समय कितना दिखा दे रहा है? 3:17, मतलब 3:30 रात को आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ऊपर में देखिए समय कितना हो रहा है। आपको PDF है, ये परक्रमण चल रहा है क्वेश्चन नंबर 53, और कितना समय हो रहा है? 3:18 हो रहा है, रात हो रहा है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेट मिले और आपके लिए क्वेश्चन प्रतिदिन बनाते रहे, आपके एग्जाम के लेके बना रहे हैं इतना रात में, नहीं तो नहीं बनाते इतना रात में। तो चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि के श्राव्य को क्या कहते हैं? आंतरस, शक्कर, एंटीरियस, जटर रस ए और बी, दोनों। कौन सा होगा मेरे प्यारे मित्र? तो नोट कर लेना है, ये दोनों हो जाएगा। क्या होगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। ये 54 का कारण कहा गया एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये बताना होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 28, 30, 32, 34। तो मेरे दोस्त, बुजुर्ग आदमी जो है जिसको वयस्क बोलते हैं, उसमें होता है 32। आपको नोट करना है कितने होते हैं 32। ऑप्शन नंबर सी 32, नोट कर लेना। इसके बाद चलिए क्या गया है, मछली के हृदय में कठोर कोष्ठों की संख्या है, क्या है बताइए? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4, केवल एक, बताइएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, इसका आंसर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। नहीं बताई है तो कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं इसका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है,
कह रहे स्वाद स्वाद कलियां पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है? अग्राशय की ऊपर सतह पर, जीभ के ऊपर सतह पर, अग्र चवर्नल पर, गर्षण्य के भीतरी दीवार पर। तो कौन सा होगा 56 का? तो लिख लीजिए जी के ऊपर होगा। कौन होगा? जी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एलिग्लोटिस। कौन सा होगा बताइए? तो मेरे प्यारे मित्र लिख लेना है इसको ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे के और बढ़ाते हैं। कहा गया है मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रास नली, गरनी, अज्ञास। कौन सा होगा 58 में? तो मेरे दोस्त अग्नियाशय लिख लीजिएगा, ग्रासनीय, ऑप्शन नंबर एक ग्रासनीय लिखना है। उसके बाद 59 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है? हस्तांतरण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो मेरे दोस्त इसका लिख लीजिएगा शोषण। क्या लिख लेना है? शोषण, ऑप्शन नंबर बी को चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है। कहा गया है छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी नसी नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, रेक्टम बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, एपेंडिक्स बोलते हैं? एपेंडिक्स क्या बोलते हैं बताइएगा। तो मेरे प्यारे मित्र बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा सीकम, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्न्याशय रस, आंतरिक रस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र बहुत आसान क्वेश्चन एक आपका हो जा रहा है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। कहा गया है आमाशय में अधपचे भोजन के लिए की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल और क्या है ये काइलोमाइक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 63 का देख लीजिए क्या कह रहा है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एनिमो अम्ल के विखंडन से बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनोमिनिया, बी और सी दोनों। कौन सा होगा? तो मेरे दोस्त लिख लेना है एमोनिया, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। स्वपोषी शोषण के लिए आवश्यक है कौन सा? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। 64 का बताइएगा, लिख लीजिएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्या कहा गया देखिए,
चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, इलियम से, जेनुनम से, कोलन से, कोलन में, रेक्टम में, तो मेरे दोस्त लिख लीजिएगा इलियम में, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य के आहार नल की कौन सी रचना अवशेषित अंग है? सीकम है, अपेंडिक्स है, जेजुनम है, कोलन है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स हो जाएगा, बी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका आप बताइए कौन सा होगा, तो नोट कर लेना मेरे प्यारे दोस्त, इसमें लिख लेना सभी, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, 68 को कहा गया है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, इनामेल, केनाइल और दंत प्लाक और मोलर, कौन सा होगा? तो लिख लेना है इनामेल, ऑप्शन नंबर ए। उनहत्तर को देखिए कहा गया है, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है, सिलिया द्वारा, कोशिका का मुख्य द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा, बताइएगा। तो मेरे दोस्त नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख्य द्वारा, बी नंबर। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहा गया है प्रकाश संश्लेषित इकाई है, क्लोरोप्लास्टर, प्लाक्सिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं, तो मेरे दोस्त लिख लेना है 70 में, 70 नंबर क्वेश्चन में लिख लेना है सी, क्लोरोफिल। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहा गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उद्योग क्या है, उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया का मुख्य उत्पादक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नोट बताइएगा। तो लिख लेना है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर क्या लिखना है, बी। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कहा गया पैरामीशियम में पाई जाने वाला पोषण विधि को क्या कहते हैं, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, परानिसम, क्या बोलते हैं इसे, बताइएगा। तो मेरे प्यारे मित्र बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा परानिसम, ऑप्शन नंबर डी, परानिसम लिख लेना है। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहा गया मेरे प्यारे निम्नलिखित में से किस प्रकार संश्लेषित अंग होता है, जर, पत्ती, एस्टोमाटा, हरित लवक, बताइएगा कौन होगा 73 में, तो लिख लीजिए हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती है, पत्तीय कोशिका, भित्ति कोशिका, जाइमोनिक कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं, 74 का बताइएगा, भित्ति कोशिका, ऑप्शन नंबर एक।
चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है। कहा गया मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जुरेलार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 75 में लिख लीजिएगा सी, ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ बचा है, थोड़ा सा बच गया, देख लीजिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा एमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। कूटपाद, सिलियम, भोजन रसधानी, पिना साइट, कौन सा होगा बताइएगा। 76 में, तो मेरे प्यारे मित्र 76 में लिख लीजिएगा, कूटपाद लिख लीजिएगा 76 में। चलिए नेक्स्ट नंबर में कितना बोले, कूटपाद, ऑप्शन नंबर 1 को नोट कर लेना है, जाएगा एनिमो अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। कहा गया कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा जीव द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छोटा क्यों हो जाए भाई। कहा गया निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनीय ग्रास नली से जुड़ी होती है। निंगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, कोई नहीं बताइएगा। तो लिख लीजिएगा निंगल द्वारा, घसक क्यों रहा भाई दरिया, चलो निकल द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 को चलना है साथ में लेके। इसी तरीका से बढ़ेंगे, चलिए क्या कहा गया है। कहा गया है एमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े और डाइटम एवं एक कैलोरी जीव बैक्टीरिया इनमें से सभी, असीम बताइएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे सभी, ऑप्शन नंबर डी, डन कर देना है। चलिए कुछ 6 क्वेश्चन बचा, 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद बोला है ग्रहणी भाग होता है मुख्य गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, बताइए। 81 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कहा गया है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने विधि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अंतग्रह कहते हैं, परपोषण, पोषण और स्वपोषण, चलिए कौन हो बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को देना चाहिए, तो नहीं तो हम तो दे देंगे। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का चैप्टर और आज का क्लास सारा का सारा हो गया ख़त्म। अब जो है नेक्स्ट क्लास आएगा, वो आएगा नियंत्रण एवं समलयन पर। क्वेश्चन उसमें भी कम रहेगा, एक ही क्लास में उसको भी सफा कर देंगे, और आपको सारा का सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से बारीकी से देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन था सारा का सारा चैप्टर बाय चैप्टर लाते हैं, और पूरा टोटल क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बनने वाला था सारा क्वेश्चन बना के लाते हैं आप लोगों के लिए, और आपको दिखा दिए कि कितना रात में वीडियो बनाते हैं। इसलिए अपना एक लाइक और एक अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।